सब्सक्राइब कीजिए पियरलेस किचन चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो मेरे फूडी दोस्तों, कैसे हो आप सब। मसाला चिकन करी बनाने के लिए हम सबसे पहले एक पैन में ले लेंगे तेल। सरसों का तेल लेना, उससे ज़्यादा टेस्ट आएगी। तेल जैसे गर्म हो जाएगी हम इसमें डाल देंगे कुछ मसाले। यहाँ पे मैंने ली है आधा जायफल, दो जावित्री, तीन चार लौंग, एक बड़े चम्मच जितना साबुत काली मिर्च, एक सूखा हुआ तेज पत्ता तोड़ लेना है, दो सूखी हुई लाल मिर्च उसको भी तोड़ लेनी है, तीन चार हरी इलायची, एक दालचीनी का टुकड़ा और एक छोटा चम्मच इतना जीरा। ये सारे चीज़ें हम डाल देंगे तेल में। तेल में हम इसको थोड़ी देर के लिए बस फ्राई कर लेंगे। सारे मसालों का एक प्यारी सी खुशबू जब आपको मिले तब आप इसमें डाल देना बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज मैंने यहाँ पर ली है दोस्तों 6 से 7 बड़े साइज़ के। प्याज को मैंने बारीकी से काटा है। आप चाहो तो प्याज का ना पेस्ट बना के भी डाल सकते हो। यहाँ पे चिकन मैं ले रही हूँ 1.5 केजी, तो 1.5 केजी के हिसाब से मैंने यहाँ पे प्याज ली है 7 से 8। अगर आप 1 केजी ले रहे हो तो 5 से 6 लेना। प्याज को जल्दी भूनने के लिए हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी नमक और कलर के लिए डालेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर। अब फ्लेम को हाई पे रखते हुए हम प्याज को तब तक पकाएंगे जब तक इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती है। प्याज को फ्राई करते समय एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है दोस्तों, कि प्याज ना साइड में से जल्दी फ्राई हो जाते हैं, तो इसे कंटिन्यू आपको स्टार करते रहना है कम से कम 30 सेकंड के बाद बाद ही। ज़्यादा देर तक इसको ऐसे ही मत छोड़ना, नहीं तो प्याज ना आपके जल सकते हैं। तो हाई फ्लेम पे मैंने इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच जितना लहसुन का पेस्ट और 1 बड़े चम्मच अदरक का पेस्ट। अब इन अदरक और लहसुन को हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। अदरक और लहसुन का जो एक कच्चा सा स्मेल होती है ना, वो चली जानी चाहिए। तो 5 से 7 मिनट लगेंगे दोस्तों मीडियम फ्लेम पे आपको इसे पकाते हुए। 5-7 मिनट के बाद इसका जो कच्चापन है वो भी चली जाएगी और कच्चा सा वो जो स्मेल आती है वो भी बिल्कुल चला जाएगा। उसके बाद आप फ्लेम को कर देना बिल्कुल लो पे और इसमें डालना टमाटर 1 बड़े साइज़ के, 2 बड़े चम्मच जितना धनिया पाउडर, 2 बड़े चम्मच जितना जीरा पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर आप अपने हिसाब से डालना। मैंने यहाँ पे 2-3 बड़े चम्मच डाल दी है। थोड़े से कश्मीरी लाल मिर्च भी मैंने डाली है कलर के लिए और डाली है 2 बड़े चम्मच जितना मीट मसाला। मीट मसाला ऑप्शनल है दोस्तों, आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो। और कश्मीरी लाल मिर्च भी ऑप्शनल है, ये बस कलर के लिए होता है दोस्तों, तीखापन ना इसमें ना के बराबर। तो मीडियम फ्लेम पे आप इसको पकाना 3 से 4 मिनट और उसके बाद आप इसमें डाल देना चिकन। चिकन को मैंने इसको पहले से ही अच्छे से धो लिया है। मैंने यहाँ पर बोन के साथ यूज़ करी है, आप ना बोनलेस चिकन का भी यूज़ कर सकते हो। सारे चिकन डाल देने के बाद हम इसके ऊपर से डाल देंगे थोड़ी सी नमक स्वाद के अनुसार। मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच इतना नमक डाला है। नमक के साथ ही आप इसमें डाल देना 1 छोटा चम्मच इतना हल्दी पाउडर और इसके बाद फ्लेम को आप रखना फिर से हाई पे। हाई फ्लेम पे आप इसको 2 से 3 मिनट पकाना। धीरे धीरे आप देखोगे दोस्तों कि चिकन में से ना पानी छोड़ेगा। अगर आपका चिकन पानी छोड़ने में ज़्यादा टाइम ले रही है तो 5 से 7 मिनट भी लग सकते हैं हाई फ्लेम पर इसको पकाते हुए। जैसे ही चिकन थोड़े से गर्म होना स्टार्ट हो जाए आप फ्लेम को कर देना मीडियम पे और इसको ढक के छोड़ देना मीडियम फ्लेम पे कम से कम 3 से 4 मिनट। 3-4 मिनट के बाद ढक्कन को खोल के इसको एक बार उलट पुलट कर देना। उलट पुलट जब आप करते हो ना हाई फ्लेम पे करना 2 मिनट के लिए। उसके बाद आप इसको फिर से ढक के छोड़ देना मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए। इस तरीके से ना आप 3 से 4 बार या फिर 5 बार भी रिपीट कर सकते हो। ढक ढक के पकाने से होता क्या है दोस्तों, चिकन अंदर से सॉफ्ट होती है और मसालों का जो फ्लेवर है ना वो भी अंदर ही रहती है और आपका गैस भी बचता है। और इस तरीके से आपको ढक ढक के 5 बार भी पकाना पड़ सकता है, मतलब कि इसे आप तब तक पकाना जब तक चिकन अच्छे से तेल नहीं छोड़ देती है। चिकन जब तक तेल नहीं छोड़ेगी ना ये अच्छे से कुक्ड नहीं हुई होगी, बाद में ना स्वाद नहीं आएगा फिर मुझे मत बोलना। तो ऐसा दिखना चाहिए जैसा कि आप देख सकते हो कि चिकन ने और मसाले ने अच्छे से तेल छोड़ दिया है, मतलब कि चिकन और मसाले अच्छे से कुक हो गई है। अब टाइम है दोस्तों इसमें पानी डालने का। पानी आप इसमें थोड़ा सा गुनगुना डालना। मैंने यहाँ पे 2 ग्लास जितना पानी डाल दिया है। पानी के हिसाब से मैंने यहाँ पे 1 बड़े चम्मच जितना नमक भी डाल दी है। नमक अपने स्वाद के हिसाब से डालना दोस्तों, कुछ लोग नमक ज़्यादा खाते हैं कम खाते हैं, है ना। मैंने ये बात आपको इसलिए बता दी क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले फेसबुक में देखा था कि एक
लेडी ने पोस्ट किया था कि नमक अगर हम अपने हिसाब से डालेंगे तो आपका वीडियो क्यों देखें। मुझे नहीं कहा था, लेकिन मुझे जो वो बात है ना वो स्ट्राइक कर गई थी। तो इसलिए मैंने आपको बताया है कि कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, कम खाते हैं। मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच या फिर 1 चम्मच डाल दिया है। ढक के आपको छोड़ना है दोस्तों पानी डालने के बाद कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए। 8 से 10 मिनट के बाद ढक्कन को खोल के थोड़ी सी गर्म मसाला पाउडर और थोड़ी सी कसूरी मेथी आप ऊपर से छिड़क देना। फ्लेम को कर देना बिल्कुल बंद। इस तरीके से इसको एक बार घुमा लेना। उसके बाद आप इसको 10 मिनट के लिए साइड पे छोड़ देना रेस्ट पे। रेस्ट कराने के बाद आप इसको सर्व कर सकते हो दोस्तों। राइस के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, किसी के साथ भी यह ज़बरदस्त लगती है। एक बार इसको घर पे ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके वाले मसाला चिकन करी कैसी बनी है। और दोस्तों अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना मेरी चैनल को ताकि इस तरह की वीडियोस में आपके साथ और भी शेयर कर सकूं। और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर एक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहे। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ।